आज जब भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में अपना स्थान बना रहा है, आज भारत जो दुनिया में हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, आज जिस भारत को 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, ऐसे ब्रिटानिया को पिछाड़कर दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था भारत बन रही है। आज जब मैं भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चौथे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत स्टील बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत केमिकल इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से छलांग लगाती हुई दुनिया की फार्मेसी बन रही है, ऐसे भारत का नेतृत्व अगर हो रहा है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन मैं आपके कंधों पर एक जिम्मेवारी देना चाहता हूं कि जब भारत इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो यहां से हमारा संवित पात्रा पीछे क्यों है? क्या आप नहीं चाहते कि राष्ट्र में आपकी भी भागीदारी हो? क्या आप नहीं चाहते कि देश में आपकी भागीदारी हो? क्या इस बदलते भारत में, इस पुरी से जो एक दृष्टि से समाज में प्रतिष्ठित रूप से हमेशा दिशा देने वाला रहा है, नेतृत्व करने वाला रहा है, मेरी आशा यह है कि आने वाले समय में पुरी में भी कमल खिलना चाहिए और आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मित्रों, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ भारत की भागीदारी का सवाल नहीं है, सिर्फ विकास का सवाल नहीं है। भारत की तस्वीर को उड़ीसा से लेकर देश के कोने कोने तक बदलने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के आलेखों के अनुसार भारत में गरीबी, अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। जिस भारत को बोला जाता था कि यह गरीब देश है, आज वहां अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और उसका कारण है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है, ताकि हमारा कोई गरीब भूखा ना सोए, इस धरती पर भूखा ना सोए, इस बात का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में